एक सवाल, मनीष कश्यप अब शादी करेंगे? अब मैं अगर इस पे बोल दूं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, अब सुंदर लड़की मिल जाए, अगर आपके नजर में कोई हो तो आप बता दीजिएगा, मम्मी को बता दीजिएगा। ये पूरे बिहार को कह रहे हैं ढूंढने के लिए, ये मतलब एलिजिबल बैचलर हैं मनीष कश्यप? नहीं नहीं, कहां से एलिजिबल बैचलर, बाल पका हुआ है, कलर नहीं करता हूँ, नहीं आजकल पैमाना बदल गया है, तो ये हो सकते हैं, बहुत हैंडसम है, हालांकि मैं इनको नहीं बोलूंगा नहीं तो विवाद बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, नहीं बात नहीं बढ़ेगा, घर पे विवाद बढ़ जाएगा, लेकिन ये हो सकते हैं, हैंडसम है, देखिए हाइट भी सही है, जिम उम भी जाते हैं और भी बहुत सारे इधर। नहीं नहीं, लेकिन मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप आपके लिए, मां ने आपके लिए जो राजनीति के लिए सोचा था वहां तक आप पहुंच गए, अब तो इसके आगे का रास्ता आपको खुद तय करना है, लेकिन अब इसके बाद मां के लिए सहयोग करने के लिए कोई घर में मौजूद हो? मनीष कश्यप सोचेंगे, मेरे छोटे भाई का शादी हो गया है और छोटे भाई की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है। बिहार में एक चीज कहते हैं इंटरव्यू में, जो कहते हैं ना खखोर लेना, आज मनीष कश्यप को खखोरने की कोशिश, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आज पहला दिन था। मनीष कश्यप भी कई सवालों के जवाब देते देते आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहा कंट्रोल, तो कंट्रोल करने की जब जरूरत है तो इनको थोड़ा वक्त देते हैं, नेता पूरी तरह से बनने देते हैं और धारदार इंटरव्यू बराबर आते रहिएगा, ठीक है ना? एकदम बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बधाई भी आपको इस नई राजनीतिक पारी के लिए।